दोस्तों एक बार फिर से आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कुछ दिन में मार्केट बहुत अच्छा मूव भी कर रहा था। हालांकि लास्ट 2-3 दिन से हम देख रहे थे मार्केट कुछ रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और जिनके चलते जो हम सब ने इन्वेस्ट किया है फेयर कैम शिगाची में वो वहाँ पे थोड़ा सा आपको आप मूव में मुश्किल हो रहा है। तो इस समय में आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको लॉन्ग पोजीशन काट देना चाहिए, एक इन्वेस्टर का माइंडसेट आपको बना के रखना चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए वो मैं अभी आपको बताऊंगा, क्योंकि स्पेशली मैं क्या कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये जो छोटे मोटे अप्स एंड डाउन्स है ये तो चलता रहता है। स्पेशली हम सब ने यहाँ पे सौरभ मुखर्जी जी का जो बुक्स है कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग एंड डायमंड इन द डस्ट जो हमने पढ़ा है, हम लोग वो बुक का थ्योरी हम अगर मानेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे अच्छे कंपनी जिसका बहुत लॉन्ग टर्म व्यू है प्रमोटर का, उस तरीके से आपको सोचना चाहिए। अब एक चीज़ बताइए, क्या यहाँ पे मार्केट में करेक्शन होगा तो फेयर कैम का ओनर, शिगाजी का ओनर, फाइन ऑर्गेनिक का ओनर क्या सारे स्टेक बेच देगा? क्या नहीं बेचेगा ना। तो आपको भी एक बहुत अच्छे ओनर जैसा ही सोचना चाहिए। और अगर आपका यहाँ पे कोई भी चांस मिलता है, मतलब अगर करेक्ट जाता करेक्ट होता है या से 10% करेक्ट होते हैं, तो ये तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपका कंपनी ग्रोइंग फेज में है। तो एक बार मैं आपको बता दूं, आप सब ने जो आप लोगों का महत्वपूर्ण कमेंट्स किया है ऐसे करते रहिए, ये कमेंट्स जो है वो एक बहुत बड़े मोटिवेशन का काम करता है। तो यहाँ पे मैं आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, अगर हम यहाँ पे फेयर कैम का चार्ट में जाएँ तो सबसे पहले हम कुछ चीज़ देखेंगे। मैं स्पेशली रोटेट कर देते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, बहुत सारे ड्राइंग हो चुका है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो चार्ट है ना थोड़ा सा रेजिस्ट फील कर रहा है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले से बोला था यहाँ से मूव किया है, मतलब अब देखिए डायरेक्ट यहाँ से मूव किया है, उसके बाद ये डायरेक्ट 2050 का आसपास जाके पहुँचा है। तो ऑब्वियसली रेस्ट करना चाहिए, रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 20% से ऊपर यहाँ पे मूव भी हो चुका है, और प्रीवियसली यहाँ पे रेजिस्टेंस था तो यहाँ पे ऐसे सिनेरियो हुआ था। ऐसे बड़े फॉल आपको कभी नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो FII OPM कम होने के चक्कर में यहाँ पे सेल किया था, तो क्या हो सकता है। अभी एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, ये जो पॉइंट था यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1765 यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैंडल आया था। ये बहुत बड़ा कैंडल कौन लेके आया था, इतने बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ने बाय किया था। तो ऑब्वियसली एक साथ अगर ये कैंडल हुआ इतना बड़ा, फिर सबको पता चला नेक्स्ट डे में यहाँ पे कुछ रिटेल लोग भी घुसे और यहाँ पे भी उन लोगों का यहाँ पे और एक कैंडल यहाँ पे देखने को मिला है। तो बात यही है, यहाँ पे FII का एक साथ सारे बाइंग ऑर्डर नहीं लगा है, तो क्या हो सकता है, क्योंकि वो लोग बहुत बड़े हैं तो ऑब्वियसली उन लोगों को और भी खरीदना है, तो क्या कर सकता है, क्या हो सकता है, उन लोग प्राइस को थोड़ा सा कम कर सकता है। बट अगर यहाँ पे रिटेल लोगों का ताकत अच्छा है तो शायद यहाँ पे इन प्राइस में उनको नहीं मिलेगा, तो हाईली चांसेस है यहाँ पे अगर मिल जाए तो। अगर देखिए ये जो सेंटिमेंट चल रहा है बहुत नीचे जा सकता है, 16,800 आ सकता है, किसी ने बोला 17,000 आ जाए, तो हमारे लिए हम जो लॉन्ग इन्वेस्टर है उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है। अगर यहाँ पे मिल जाए, मतलब ये 1900 के पास फेयर कैम को मिल जाए, नहीं तो यहाँ पे आया तो सोने का सुहागा है, मतलब दिल खोल कर खरीद सकते हैं यहाँ पे अगर मिले। बट अगर यहाँ पे फेयर कैम का अगर आप चार्ट को ध्यान से देखेंगे और पूरा चार्ट को एनालाइज करेंगे, जब जब मार्केट करेक्ट होता है तब तक मैंने देखा ये फाइन ऑर्गेनिक्स एंड फेयर कैम करेक्ट नहीं होते हैं। एक चीज़ आप देखिएगा, कल भी देखिएगा, अगर अगर मान लीजिए 1% करेक्ट हुआ, नहीं तो उनके नियर बाय करेक्ट हुआ, तो फेयर कैम एंड फाइन ऑर्गेनिक मार्केट का साथ ही नहीं देता है, क्योंकि इनके अंदर एक फंडामेंटल ताकत है जो बाकी जो ओवरऑल स्टॉक्स है उनके अंदर नहीं होता है, और ये ग्रोइंग में है और बहुत अच्छा फंडामेंटल डेवलपमेंट भी हुआ है, तो मुझे नहीं लगता इतने सारे करेक्शन होगा। अगर होगा तो ऑब्वियसली हम और भी खरीदेंगे, क्योंकि इतने दिन बाद कंपनी ने कॉन कॉल दिया है और उसमें इतने अच्छे से बातें बोला गया है जिसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, वो कम क्यों होगा। अगर ये मार्केट सेंटिमेंट की वजह से कुछ रिटेल लोग सेल कर दे तो बहुत बढ़िया है, वो हम खरीद लेंगे और बाद में दिखाएंगे 2025 2026 में इनका प्राइस 3x 4x जब हो जाएगा तब लोगों को पता चलेगा क्यों बेचा था। देखिए ये है क्लियर कट मोटो मेरा, ये फेयर कैम है, मैं एक भी स्टॉक बेचने नहीं वाला हूँ, अगर नीचे मिले तो मैं और भी खरीद लूँगा। तो दोस्तों सेम स्टोरी शिगाची के साथ हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत बड़े यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ, नीचे जो जोन था वहाँ पे मतलब 40 से लेके 56 के बीच में यहाँ पे बहुत सारे एक्यूमुलेशन हुआ। देखिए एक चीज़ क्या हुआ था, 2 दिन में देखिए ध्यान से देखिए, ये 2 दिन क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा ऑर्डर लगा,
ठीक है, और नेक्स्ट डे ये कंटिन्यू भी हुआ। बात ये है, अगर ये छोटे कंपनी में, ये ग्रोइंग कंपनी में अगर 2 दिन में ये 15% का जंप हो जाता है तो लोगों को सारे सोशल मीडिया में प्रमोट करते रहते हैं। देखिए स्विगी के बारे में सिर्फ और सिर्फ मैं बोल रहा था, पूरा यूट्यूब में देखिए 3 to 4 मंथ में किसी ने नहीं बोला था, सिर्फ मैं बोल रहा था आप लोगों को ये एक अच्छी कंपनी है। और जब ये 10 to 15% जंप हो गया ट्विटर से लेकर यूट्यूब में, मतलब आप देखिए 100 से ऊपर वीडियो आ चुका है, शिकाची को ले लो, ये ले लो, वो ले लो। अब उसके बाद अगर ये प्राइस ऊपर जाने लगेगा, और एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, ये 285 के पास एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, मैं आपको 3 महीने पहले से बोल रहा था। तो एक चीज़ है यहाँ पे जो भी इंस्टीट्यूशन, जो भी बहुत वेल नोन बंदा खरीद रहा था, उनको यहाँ पे सारे माल नहीं मिला है, पहली चीज़ है। एंड दूसरा चीज़ क्या है, यहाँ पे बहुत सारे रिटेल लोग भी ट्रेड करने के लिए आ गया, बट अगर मार्केट 18,000 से रिटर्न कर रहा है, वो लोग भी लॉस हो, प्रॉफिट हो, कुछ भी हो, लेके निकल रहा है, इन लोगों के पास पेशेंस नहीं है। बड़ी एक चीज़, हम तो यहाँ पे भी ख़रीदा है, हम क्यों छोड़े, हम लोग इनके साथ जाएंगे, जो FII आई है या DII आई है, इनको ऊपर लेके जा रहा है, जिसको फंडामेंटल नॉलेज है, उन खुद के ऊपर भरोसा है, कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा है, वो लॉन्ग टर्म चलने वाले हैं, और यहाँ से मल्टीबैकर पैसा लेके ही जाएंगे। और देखिए एक चीज़, तो यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट कौन से लेवल में खरीद सकते हैं, अगर मार्केट का सेंटिमेंट के चलते यहाँ पे तो लेके आ सकता है, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इन लोगों को अभी भी पूरा माल नहीं मिला है। तो ये जो 256 नहीं तो ये जोन है, 268 के आसपास जो जोन है, यहाँ पे तो पक्का FII खरीदेगा, यहाँ पे भी खरीदेगा, ज़्यादा चेंज नहीं होता है मार्केट सेंटिमेंट के साथ है स्क्रिप्ट, क्योंकि ये बहुत महीने से ही यहाँ पे एक्यूमुलेशन चल रहा था, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो अगर मार्केट यहाँ पे 500 से लेके 1,000 पॉइंट करेक्ट भी होते हैं तो इस पर आपको डरने वाला चीज़ नहीं है, क्योंकि अपना जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है और ये ओवर वैल्यू स्क्रिप्ट भी नहीं है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा करेक्ट नहीं होगा। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म चलना है, अच्छे पैसा बनाना है इसी स्क्रिप्ट से, तो आपको यहाँ पे मिले, ऑब्वियसली खरीद लेना चाहिए। आप खरीदे ना खरीदे, मैं तो जरूर खरीदूंगा।